क्या बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारे बल सके ब्रह्मा जो तिहारी हमदा सत कर सिफत तुम्हारी आपने हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। कबीर सोई मारिया जिह मुए सुख होए भलो भलो सब को कह बुरो न माने कोए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आपां बाबा पीर दे श्लोकां दी विचार कर रहे हैं। सो एक मनुख जेड़ा अपनी खुशी वास्ते अपनी पेट पूर्ति वास्ते किसी जीव नूं मार रहा सी उहनूं संबोधन करके उपदेश दिंदे ने और अपना जिवें आम सुभाव कि दूजे नूं मार के आप खुशी लैणी। बाबा कबीर जी कहिंदे दूजिआं नूं मारन की बजाय अपने आप नूं मारना कर। किहनूं मारीए कृपा करते हैं। कबीर सोई मारिया बाबा कबीर जी कहते ओनू मारना कर जिह मुए सुख होए जिहदे मारन करके तेन सुख की प्राप्ति होवे। ते किनू मारांगे वह है गुरमुखो मन। मन मारन करके सुख की प्राप्ति होवेगी। भलो भलो सब को कह इस प्रकार ओना मनुखा ने जिन्हों ने मन मारना किया है दुनिया के लोग उन्होंने भला करके मानते हैं। गुरमुख राजनीति ते धर्म इन्हां दो पक्षां दे आदमी मिलते ने। जिहड़ा राजनीतिक मनुख है उहदी लालसा हुंदी कि मैं दूजिआं नूं जित्तां तां कि मेरा बोल बाला होवे। लेकिन जिहड़ा धार्मिक मनुख है वह दूजिआं नूं जित्तण की बजाय अपने आप नूं जित्तण दा यतन करदा है। मेरी समझ मुताबक जो राजनीति ते धर्म दा फर्क है वह यह है राजनीतिक दूजिआं नूं पराजित करन दा दूजिआं नूं जित्तण दा पराला करदा है ते धार्मिक मनुख दूजिआं नूं जित्तण की बजाय अपने आप नूं जित्तण दा यतन करदा है। गुरमुख हार चले जग जीता। जिन्हां ने संसार च हार मनी है नमाणे बन के रहे ने वह दुनिया नूं जित के गए। इस प्रकार बाबा कबीर जी कहिंदे भरो भरो सब को कह उहो जे महापुरशां नूं उहो जे गुरमुखां नूं सारे भला चंगा कहिंदे हन। गुरु न माने कोई इस प्रकार उहनां नूं को बुरा मनदा नहीं। कबीर राती उह कारिया बाबा कबीर जी कहिंदे कि जिहनूं कालियां रातां होईआं कृष्ण पक्ष होया तां काले उभे जंत जिहड़े काले मनां वाले मनुख ने उह सावधान हो गए। काहदे रीपी किस दा माल मता चुकांगे चोरी करांगे। लै फाहे उठ ताबते फाह लै कर घरां दे विचों उठ के चोरी करन वास्ते दौड़दे ने चले जांदे हन। जे जान मारे भगवंत दरना करो क्यों ना चोरां नूं भगवंत परमात्मा ने अंत समय मारना है अथवा मारे जांदे ने। सो इहो जिहड़े पुरख ने उह मारे जांदे ने। इहदा दूसरा अर्थ जानना करो जी। कबीर राती होवह कारिया बाबा कबीर जी कहिंदे कि जिन्हां पुरशां दी अवस्था रूपी रा अपना इह जीवन काला कर लिया काले उबे जंत हिरदे विच मानो कालिया करन वाले काम क्रोध आदिक जंत उभे खड़े हो रहे ने। पाप उहनां पुरशां नूं अपने वस करन वास्ते काम आदिक ये सचेत हो रहे ने। उभदातों का समेत सचेत इन संप्रदाय मन पुरुषों ने अर्थ किया है समैद चित बी अटेंटिव। सो इस प्रकार जिहड़े ये विकार आदि ने
उस रुख नूं काबू करन वास्ते सावधान हो गए हन। लै फाहे उठ तावते अते जो पुरश सकल्पां विकल्पां रूपी फाह नूं लै करके अपने हृदय रूपी घर दे विचों बाहर निकले जे जान मारे भगवंत पापां नूं धंधियां दे करन वास्ते दौड़े ते जाना करो ओ पुरश भगवान ने जानों ही मारना कीते ने अते उहनां पापियां वास्ते जमदूत प्रतक फाह लैके दौड़िया फिरदा है। लै फाहे राखी तुरे परम जाने प्राणी तकने नार पराइया लुक अंदर ठाणी सनी देन मखाम थाए मिठा मद माणी करमी आपू अपनी आपे पछताणी अजरा ईर फरिश्ता तेरे पीड़े कहानी पापी कर्म कमाव दे कर दे हाए हाए नानक जो मथन मधाड़िया त्यों मथे तरम राए। चंदन कबीर चंदन का बिरवा पला बिरवा का अर्थ होंदा है गुरमुख प्यारो बूटा जेड़ा चंदन का बूटा है ये बड़ा चंगा है। बेड़ियो ढाक पलास और इस चंदन दे लागे ढाक दे पलास छेवे बोड़ ते बोड़ी है जेड़ा बोड़ होंदा गुरमुख ओहदे पत्ते वड्डे होंदे ने जेड़ी बोड़ी होंदी ओहदे पत्ते छोटे होंदे ने पर जात इको जे ने। इसे प्रकार जेड़ा ढाक ते पलास है सो ढाक शशे नूं कहिंदे हन। सो इसे प्रकार ये चंदन का बूटा जेड़ा है ए ओ छछरे दे बूटिया नाल घिरिया होया है। ओए पी चंदन होए रहे ओ बूटे चंदन हो जाणगे किहड़े बसे सो चंदन पास जिहड़े चंदन दे कोल रहे जिन्हां चंदन दी सुगंधी नूं प्राप्त कीता ओ गुरमुख बूटे भावें छछरे दे सन भावें टाहली दे होण भावें किक्कर दे होण ओ सारे दे सारे चंदन बन जांदे ने। चंदन निकट सब चंदन होइया बावन बीखू बाने बीखे बास्ते सुख लागला सर्पे आद प्रमलाद का चंदन पहला। सो इस प्रकार ओ बूटे जेड़े चंदन दे लागे रहे ने ओ सारे दे सारे चंदन बन गए इदा अंतरीव अर्थ जानना करो। कबीर चंदन का बिरवा पला इसे प्रकार चंदन दे मरेंद्र गुरमुख प्यारो महात्मा पुरुष और जो महात्मा रूप चंदन का बूटा उत्तम है सो ए जे मगन उत्तम जग्यासु रेंदे हन ओ भी चंदन बन गए। ढाक पलास भाई ढाक पलास के मरेंद जेड़े उत्तम मगन अधिकारी हन ओ उन्हां महापुरशां रूपी चंदन दे कोल रहिंदे हन। ओए पी चंदन होए रहे और उन्हां महापुरश जिहड़े चंदन दे मनेंदे ने उन्हां दी संगत करके ओ भी महापुरश बन गए उन्हां दा जीवन भी चंदन वर्गा हो गया। बसे जो चंदन पास इह किन्हां दी गल है जिहड़े उन्हां महापुरशां रूपी चंदन दे कोल रहे जिहड़े चंगियां दी कोल रहे ओ चंगे बन गए। कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया दूसरे पासे दृष्टांत देंदे ने कि कई इहो जे ने जिहड़े उन्हां दे कोल रहे ते फिर भी खाली रह गए। ओ कौन है बांस? ए बांस दा बूटा इस करके लाभ नहीं लै सकिया क्योंकि गुरमुख प्यारो ए चंदन दे नाल उच्चा है। कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया चंदन के बूटे बारे सुन में आया भी कदड़ा भी बवंजा उंगला हुंदा है ते बवंजा उंगला होने करके कहते बावन चंदन जिहड़ा कबीर। सो यह बांस का बूटा है ये उच्चा हुंदा है ते बांस नूं इस गल का माण है कि मैं वड्डा ते निक्के जे बूटे तों की लैणा है। इस प्रकार जिवें यह बांस वड्याई करके वड्डा होण करके डुबिया रह गया इहो मत डूबो कोई इसे तरह हे भाई मत अपने आप नूं वड्डा जानना करो कि मैं वड्डा हाँ। सो इस करके इस औगुण च ना डुबणा करो। चंदन के निकट बसै चंदन दे निकट लागे होण करके भी बांस सुगंध ना होए जिहड़ा बांस गुरमुख प्यार दी सुगंध ही नहीं पैदा होंदी। जिहड़ा बांस है इहदे च गुरमुख पंज औगुण हन किहड़ा किहड़ा? इक तां बांस उच्चा है दूसरा इहनूं गंढा हन
तीजा ये अंदरों पोला है, चौथा कुर धाती है, ते पंजवा इनू शिलतरा हैं। मैं लागर संगेण निम बिरख से चंदन है, निकट बसंतो बांसो नान अंग बुद्ध न बोते। सो इस वजह करके जिहड़ा बांस का बूटा है ओ भाई खाली रह गया। कबीर बांस बटाई बूटिया, इस प्रकार बांस दे मलिंद बांस वांगू जिहड़े हंकारी पुरश ने ओ अपनी वड्याई अपनी मानता भुलण डुबे होए हन। मेरे वर्गा कोई नहीं, यो मत डूबो कोई। भाई इस तरह मता तुसी भी हंकार विचार करके ते अपने आप नूं डोबना ना करो। बिरख बली मलाप सफल सर छाया, बांस तो बन दुखी मेरे जरे जात है। सफल होए तार हार चुगत सकल तार, बांस तो बढ़ाई बूढ़ो आपन समार है। सकल वनस्पति सुध हृदय मोर है, बांस तो रीतो गठीले बाजे तार मार है। चंद्र समीप ही अष्ट निर्गंध रहे, गुर सिख दोखी बज्र प्राणी ना उदार है। कहिंदे इस प्रकार का यह चंदन का बूटा होंदा है, यह रौला भी ज्यादा पाउंदा है, इहदा खराब ज्यादा आउंदा है, खाली रह गया। इस करके इन औगुणा करके कबीर बांस बढ़ाई बूटिया इउं मत डुबो कोई। हे भाई जे निवास अपनी बढ़ियाई करके खाली रह गया, इस प्रकार मता अपमान करना करो। चंदन कै निकट वसै, महात्मा रूपी चंदन बूटे दे पास वसण करके बांस दी न्याई जेड़े हंकारी पुरश हन बांस सुगंध ना होए, उन्हां दे अंदर भगती रूपी सुगंधी भी आउंदी। क्योंकि बांस दी तरह हंकारी पुरश विच पंज औगुण मने हन। केड़ा केड़ा? हंकारी पुरश आपणी कुल माया ते जवानी का अहंकार करता है। सो इस प्रकार ओहदे अंदर वर्ण ते आशमा भी गढ़ा हन। तीसरा शुभ गुणा तो रहत होना ये अंदरों पोला है, और अपने संगियां नूं अपने वर्गा बना लैंदा है। जे को उसका संगी होवे नाले लै सधावे, और इस करके कुल घाती है, शुभ गुणा रूपी कुल नूं नाश करता है। ईरखा ते बखीला रूपी इहदे अंदर शिलतरां हन, इन्हां वजह करके इहो जे मनुख जिन्हां अंदर ये पंज औगण ने भावें किसी भी महापुरश को जान उन्होंने केवल लिद्या चुगनी है। औगुण हन नेकी नूं ग्रहण नहीं करते। कबीर दीन गवाया दुनी सिओ, बाबा कबीर जी कहिंदे भाई दीनदार सी धर्म, आपां दुनिया के मगर लग करके ते अपने धर्म के नालों टुट गए। कबीर दीन गवाया दुनी सिओ, दुनिया की खुशियां वास्ते गुरमुख धर्म नूं आपां त्याग बैठे। दुनी न चाली साथ, आपां कहिंदे की करी जी दुनियादारी करनी पैंदी है। ते बाबा कबीर जी कहिंदे जिस दुनिया दे मगर लग के गुरमुखा तो धर्म नूं गवाया कि दुनिया ने तेरा साथ नहीं देना। मेरे उस्ताद सचखंड वासी संत महापुरश संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा कहिंदे हुंदे सन, सिंघो कोई बंदा रब नहीं, हर बंदे विच वध तों वध तीन जां चार गुण हुंदे ने चंगे। आम यह हुंदा है कि आपां किसी दोस्त दे मगर लग के, किसी रिश्तेदार दे मगर लग के, ते आपां एक गुण त्याग दे रहे हां। अगला कहिंदा कोई गल नहीं पैसा फेर सही। वो महापुरश कहिंदे कि जे आपां किसी बंदे दे मगर लग के अपने गुणां नूं त्यागण लगे ना, ते आपां नूं तीन चार बंदे खाली कर देणगे। एक गुण आपां किसी दे मगर लग के छड्ड दिता, दूसरा बेटे दे मगर लग के छड्ड दिता, ते तीजा तीजे दे मगर लग के छड्ड दिता, ते मुड़ के बिल्कुल आपां खाली हो जांगे। उहदे नालों चंगा यह है कि जिहड़े मनुख तुहाडे सिधांत तों तुहानूं तोड़दे ने बंदे छड्ड दिओ, बंदे होर मिलणगे।
पर किसी व्यक्ति के मगर लग के अपना चंगा पक्ष ना छो। सो उस सिद्धांत इतने बाबा फरीद जी ने दिता है कि मनुख ने दुनिया को खुश करने वास्ते अपने धर्म को त्याग दिता, पर जिहड़ी दुनिया है ये अंत में बंदे का साथ नहीं देती। राज कपटम, रूप कपटम, तान कपटम और गर्भ ते सिरचंत विख्या शरण शिदरम नानक बिन हर संग ना चालते पेखंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोड़ा। जेड़ा तुम्मा है ना हुण तां गुरमुखो तकरीबन खत्म हो गया, बहुत घट है। अगे बरानियां पैड़ियां विच बहुत हुंदा सी, वेखण बड़ा सोहना लगता है, पर वह कि रंचक मात्र भी मूह पाए थे बहुत कौड़ा। कहते इस प्रकार जेड़ा संसार है ना यह तुम्बे वर्गा है। उन्होंने तुम्बिया गुरमुख मुर्ख कोई नहीं लेता, ना गुजदा से ना कोई लेता से, क्योंकि किसी कम नहीं हो आम करके लोग पशुओं आगे नहीं पाते सन, वह चार वगैरह पा करके, पर कीमत कोई नहीं। कहते इस प्रकार आत्मा का अंदरों मुल नानक साथ ना जुले आया। ते जेवे तुम्मा वेखण बड़ा चंगा लगता है, उसकी कोई कीमत नहीं ते कौड़ा है। इस प्रकार जी दुनिया ने गुरमुखो तुम्मे वर्गी है, माया माया कर है। माया माया कर हुए माया किसी ना साथ, कौटी कौटी जोर के जोरी लाख करोर चलती बार ना कश मेरे हो लई नोटी तोर। कौटी कौटी करके दे कठे कीते सी अगे पुराने लोग पैसे अपने गुरमुख लाकर बन देते सन। मेरे अपने परिवार च घटना वापरी, मेरे पिता की भूआ जी सन, उन्होंने संतान नहीं सी, उन्होंने को सोना काफी सी, पट्टी के लागे पिंड बरनाला है। उन्होंने मन में यह कि साढ़े को सोना लै ना जाए, तो किसी को भेद लगा भी उन्होंने को सोना बड़ा है। कोई गुरमुख आया, उन्होंने दोनों जीवन कदर करके चला गया सोने की वजह करके, और वो सोना उन्हां दी मौत का कारण बनिया। इसे प्रकार आप दुनियादारी वेखते हाँ, जो किसी माता की मौत होती है ना, तो जिवें रवाज अपने पिंड उन्होंने कन्नां च गहना वगैरह होता है, तो धीआं दी निगाह यह होंगी कि जिहड़ी पल्ले प्रकार की डंडी झुकी मैनूं मिले, मां दे नालों उहनूं डंडी झुकी नाल ज्यादा प्रेम है, मां नाल घट। कहिंदे इस प्रकार ओ माया ओ पदार्थ ओ दुनिया जिदे वास्ते असीं बड़े पापड़ वेले ओ दुनिया नाल लग गई, ओ पदार्थ नाल लग गया, जिहड़ी दुनिया नूं खुश करन वास्ते दुनिया दी पदार्थां दी प्राप्ति लई बंदा धर्म नूं त्याग दिंदा है, पर ओ दुनियावी पदार्थ ओ माया परोग तक नाल नहीं जाती, साथ नहीं देती। पाए कुहाड़ा मारिया, पाए का अर्थ होता पैर, इस मूर्ख ने अपने पैरों से आप ही कुहाड़ा मार लिया। नाखुल अपने हाथ कुहाड़ा तेरा गुरमुख प्यारे लोभ रूपी, वो लोभ रूपी कुहाड़ा इस मूर्ख पुरश ने अपने आप से चला दिता। इस परमाती पुरश ने अपने मन रूपी हाथ नाल अपनी जिंदगी रूपी पैरों के उपर गाबता रूपी कुहाड़ा मारना किया। कबीर जय जय हो फिरो। सो ये बारे महापुरुष की भूमिका दसते हुए सन कि बाबा कबीर जी एक ब्रह्म थां उत्थे थां है काशी च, उत्थे मिले गए इन्हां दे नाल इन्हां दे गुरु सन बाबा रामानंद जी। सारा दिन मेला वेखिया, सुभाविक शाम नूं बाबा रामानंद जी कहण लगे कि गुरमुखो तुसीं मेला वेख्या ते की वेख्या। वो आपो आपणे समझ, कोई कहिंदे आस पासे भंगूड़े पड़े ने,
कोई कहिंदा जी इस पासे लट आए रहे, कोई कहिंदा जी इस पासे खाण वाली पदार्थ बड़ी वधिया रहे। ते बाबा रामानंद कहण लगे कि कबीर तेरा की विचार, तू की वेख्या है? तां उस मौके ते बाबा कबीर जी ने एक पावन श्लोक उचारना कीता, कबीर जह जह हो फिरियो। बाबा कबीर जी कहिंदे कि जिथे जिथे मैं फिरिया हां, कौतक ठाओ ठाए कहिंदे वख वख तरां दे कौतक होए, ठगण वास्ते ठगिया मारदे हन। इक राम स्नेही बाहरा सुखदेव नाराज ना होना, मैनू तां इउं जापिया कि उह मनुख जिन्हां नूं राम नाल प्रेम नहीं, मेरा भाए इउं जापदा कि इह मेला नहीं इह इक उजाड़ है। इसे प्रकार इहदा अंतरी अर्थ है, कबीर जय जय हो फिरियो। बाबा कबीर जी कहिंदे जिथे जिथे मैं गया तो संसार भी मेले की तरह है, क्योंकि जिहड़ा गुरबाणी का संबंध है अध्यात्मवाद नाल, कहिंदे संसार एक मेले दे मिलित है, ते जिथे जिथे असी गए हां कौतक ठाओ ठाए, वख वख तरह के गुरमुख कौतक हो रहे ने, वख वख तरह के लोग तमाशे कर रहे ने, वख वख लोग काम कर रहे हैं। एक राम स्नेही बाहरा, एक प्रतीत होया कि एक राम के प्यार तो बिना जिन्हां लोगों के मन परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, जिन्हां थावां ते लोग परमात्मा नाल जुड़े नहीं, मैनू इउं प्रतीत हुंदा है गुजर मेरा भाए। मैनू पुछण मेरी आत्म मुताबक जो मैं प्रतीत कीता, जो मैं समझिया, जो मेरे भार है वो ए है, ते ए वो थां अजाड़ है, वो किसी कम नहीं, मैनू मेला नहीं प्रतीत होया। कबीर संतन की चुंगिया भले, बाबा कबीर जी कहिंदे गुरमुख होई ना मेलिया दे नालों महापुरुषां दी झुगी भी चंगी। किस तरह पठ कसुती गाओ, जिहड़ी खोटे कर्मां वाली एक औरत है उहदा भावे कम करके दा भी चंगा होवे, उह पठ दे मरिंद है, किसे कम नहीं, परे सुहावी छापरी जा मैं गुर गाए, कित ही काम न तौल हर जित हर विसराए। कहिंदे छपर चंगा जिस था छपर परमात्मा का नाम चेते किया जाए, ते वड्डे वड्डे धौलर माड़िया ते बहल वो किसे कम नहीं, जिथे परमात्मा का नाम लिया नहीं जाता। बस्ता तुंटी झोंपड़ी चीर सब छिना, जात न पत न आदर उदयान पर मेना, राजा सगरी सृष्टिका हर नाम मन पिना। कहिंदे गुरमुखो जेड़े खोटे कर्मा वाली औरत है उहदा मकान उहदा घर किसे कम नहीं, ते जेड़ी झुगी दे विच परमेश्वर दे प्यारे परमात्मा दा नाम लैंदे ने उह झुगी भी चंगी। आग लगात है धौल हर, मैं तां कहांगा कि उहनां धौलरां नूं उहनां मेलां नूं अग लग जावे। जिह नाही हर को नाओ, मेलां दी गल करदे कहिंदे असीं मेलां दे उल्ट नहीं, जेड़े सोहने मकान च परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता वो मैं भी किसे कम नहीं। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, सियास्तल सोए चवारे, जिथे नाम ना जपिए मेरी गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो। कबीर संतन की झुंगिया भले, जेड़े भाई सत परमात्मा नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे भावे पाटे हुए कपड़े ने, उन्हां दा शरीर भावे त्रिस है पर वो फिर भी चंगा। पठ कसुती गाओ, और इसे प्रकार खोटे पुरुष का शरीर भावे बड़ा चंगा मोटा ताजा है, पर वो विषयां नूं भी भट्ठी करके अंदरों सड़दा है। आग लगात है धौल हर, जिह नाही हर को नाओ, जिन्हां दे शरीर रूपी मंदर विच परमात्मा का नाम नहीं। बाबा कबीर जी कहिंदे मैं तां कहांगा शरीर नूं अग लग जाए, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਪੀ ਬਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਖਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸੀ ਸਰੂਪ ਸਚਦਾਨੰਦ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਹ ਸਾਗਤ ਵਾਪਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਗਤ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹਟ ਹੈ ਹਟ ਵਿਕਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਖੁੰਠ ਸੁਧਾਰੇ, ਸੋਚਣ ਸੋਗ ਨਾ ਸੋਚ ਭਾਏ, ਮਨਮਤ ਉਰਜੇ ਭਗਤ ਬਹੀਨੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਨੇ, ਸੋ ਸੋਚਣ ਕੇ ਯੋਗ ਮਹਾਨਾ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਜਿਨ ਕੀ ਅਰਬ ਠਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਣੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਈ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਨ ਪਚੀ ਕਟੰਬ ਮਝਾਰੇ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਸੰਚੇ ਤਨ ਭਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਚੂਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਥੇਲੀ ਕੀਨੀ, ਤਪ ਤੀਰਥ ਜਿਨ ਕੀ ਨਾ ਭੂ, ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਜਾਰੀਏ ਸੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰੂਪੀ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੇ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਹੀਨ ਆਪਰੇ ਅੰਗੇਵਾ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਦਇਆ ਨੇ ਦੀਨੋ ਦਾਨਾ, ਸੋ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਇਆ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਰੋ, ਰੋਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਪੁਰ ਸ਼ਰਪ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ, ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਲਸਣ ਵਰਗਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਲਸਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋਮ ਹੈ, ਲਸਣ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਲਸਣ ਖਾਏ ਹੋਣ ਕੇ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਤ ਦਰਾਈਏ, ਅਣਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੀ ਵਕਾਰ, ਖੇਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਦਰ ਕਮਾਣਾ ਸਰਪ ਉਗੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਚ ਲੋਕੀ ਕਮਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਮੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਡਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਝਕੋਲਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ,
पर जिहड़े महापुरुष गुरमुख प्यारे ने उन्होंने अपने सुवासां दे राही निष्काम कर्मा रूपी जिहड़ा दुध है उह लुटना कीता। जिहड़े आम बंदे ने सुवास तां उन्हां वी लै पर उन्हां ने सुवासां दा पूरा लाभ नहीं लिया। जिहड़ी माया है ਇਹਦੀ ਕੁਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਛਾਸ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੱਸੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮੱਖਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਰਜਤ ਅਸਥੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਪਵਨ ਬਹਿ ਹਿਵ ਧਾਰ, ਧਾਰ ਬਰਫ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧਾਣੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਬਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਪਾਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਬਲੋ ਮਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਰ ਬਲੋ ਮਨਹਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਾਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਵਰ ਬਲਾਮਣ ਹਾਰ ਅਵਰ ਬਲਾਮਣ ਹਾਰ ਹੋਰ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਝਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਥਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਰ ਬਲੋਵੇ ਆਪ ਸਮ ਪਾਵੈ ਨੈਨੂ ਕੈਸੇ ਰੀਸੇ, ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਲੋਈਏ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ, ਜਲ ਮਥੀਏ ਜਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਦਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਰਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਸਮਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਮੁਸ ਮੋਹ ਮੋਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੋਹ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਰਟ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ ਮੁਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਮੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਜੀ ਹਿੰਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਲੈ ਆਉਣਾ।
कहिंदे इसे प्रकार जिहड़ी माया चोटी पग चोरां दी मां वर्गी है जिन्हें हंकार रूपी हिंग जिया नूं अला दित्ती है हंकार रूपी हिंग फिर इस माया दे पांच पुत्र काम क्रोध लोभ इत्यादि जिहड़े ने इह मगर जांदे ने सोहंगता वाले पुरशां पा जा के इन्हां शुभ गुण रूपी धन नूं लुटना कीता पर कौन हर बजे अगे निर्णय करनगे एक कबीरा नाम उसै बाबा कबीर जी कहिंदे भावे दुनिया तां लुटेगी पर साडे ते इहदा असर नहीं कारण की है जिनकी नी बार है वाट भाई जिहड़ी इह माया सी इहदे टोटे टोटे कर दित्ते ने जिहड़ा मर गया उह तंग किवें करेगा इसे प्रकार बारह बार केड़ा दास इंद्रिया यारवा मन ते बारहवीं बुद्धि दी सियाण तो ये असी कहिंदे टोटे टोटे कर दिते ने अथवा इहदा अंत इह वी अर्थ है एक कबीरा नाम उसे कबीर कौन है परमात्मा क्यों कबीर सारिया तो वड्डा कहिंदे ने परमात्मा नूं एक परमात्मा जिहड़ा भाई उहनूं ठगिया नहीं जा सकता जिन्हें इस माया नूं टोटे टोटे कर दिता है भोरा भरा भोरा कर दिता है। हाँ जी कबीर सुख ना इह जग करहे जो बहुत है मीत इहदे बारे महापुरश दसदे सन कि एक मनुख उह जिहड़ा मिलिया उहनूं मत्था टेकी जांदा जिवें अज आम करके आम रवाज है उंज कहणा जी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह नूं मानदे हां ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਏ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਬੀਰ ਸੋਖ ਨਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨੀ ਕਾਂਡ ਜੋ ਰੱਖ ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੀਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਨਾਮੇ ਬੇਟਣ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਮਾਂ ਦਿਓ ਧੌਲੇ ਬੱਧ ਚੜਿਆ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਮੋਦੀ ਕੇਕਰ ਫਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਏ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਏ ਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਿੱਤ ਰੱਖੇ ਏਕ ਸਿਓ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਨੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਭਰਮ ਸਹਿ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨੀਤ ਇੱਕ ਬਾਂਧੇ ਇੱਕ ਢੀਲਿਆ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਨੇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਚੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਮਾਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ
कोई पशुआ की पूजा उलझ गया, कोई दरख्तों मनन लग पाया, कोई प्रेतों के मगन लग पाया, बात नहीं बनेगी। जिमें भाई साहब भाई गुरदास जी दिया वारा के एक दृष्टांत आता है, वो कहेंगे भेटे पूछ लगिया तो पार लंघ गए। कोई बंदा यह कहे कि मैं भेट की पूछ न फड़ ला, वो बने नहीं लगेगा। भूते केरी दोस्ती नित सब साजीए, जेडे लोग प्रेतों की उपासना करते भूतों की, उन्होंने डर बनिया रहा भी कि भूतना मैनू ना पार दे। नदी किनारे रुखड़ा वसाहो न किए, मित्रा जिवें नदी के कंढे के उपर दरख्त है ना, उहदा पता कोई नहीं भी कदों डिग जाए, अज भी डिगा ते कल भी डिगा। इसे प्रकार कहिंदे मृतक नाल विहाईए सुहाग ना थीए। जे मुर्दे दे नाल किसी बची दियां लावां कर दिए जां फोटो नाल लावां कर दिए तो बीबी सुहाग बंती नहीं खवाएगी, उहदे तो पुत्र की आस नहीं हो सकती। विस हलाल बीज के अमृत पीए। इस प्रकार गुरमुख जी तू आखे भी मैं जहर बीजा के अमृत निकले कदे निकलेगा। विमुख सेती पिरहड़ी जम डंड सीगे, जिहड़ा एक नालों टुट करके बेमुखा नाल दोस्ती गुरमुखता करनी है ना गुरमुखा, यह जमा का डंड ही डंड है। जे मृतक नाल लावां वाली बीबी सुहागण नहीं, पेड़ की पूछ फड़िया पता बने नहीं लग सकता, प्रेतों की पूजा संस्था है। इसे प्रकार कईयां नूं सुणिया भी फलाने बंदे ने फलाना छिड़ा किया तो उन्हें पुट्ठा पै गया। गुरु को केवल ते केवल गुरु की बाणी है, जिहड़ी पुट्ठी नहीं पैंदी इह मनुष्य सिद्धिया करती है। इस करके बाबा कबीर जी कहिंदे ने कि गुरमुखो जिहड़े परमात्मा दे नाल टुटे ने उहनां नूं सुख नहीं, सुख केवल ते केवल एक परमात्मा दे नाम विच है। कबीर जिस नर ने ते जग डरै, सो किसे ने आख्या कबीर तू बड़ा मूह पाटा है, थोड़ा जिहा रब तो खौफ करिया कर, तू ही मरना कदे ना कदे। ते बाबा कबीर जी जवाब दिंदे कहिंदे ने जिहड़ी मौत तो सारा जग डरदा भाई, मेरे मन आनंद तू जिन्ना मर्जी कही चल, मेरी सेहत ते कोई असर नहीं, मैनू आनंद है। जे मरने सब जग त्रासिया, सो मरना गुरसब प्रगासिया। लोगों नूं मौत का डर होगा पर मैनू डर नहीं, मैं मौत के विच आनंद महसूस करता हाँ। क्यों मरने ही ते पाई है, क्योंकि मरन करके शरीर नूं छड्डण करके पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद विखे अभेद हो जाईदा। इसे प्रकार कबीर जिस मरने ते जग डरै, जे जीवित भाव ते मर वालों सारा संसार डरता है, मेरे मन आनंद मेरे मन च आनंद। जीवित भाव तो अर्थ ही होंदा है ताण होंदे होए नताणा, माण होंदे होए नवाणा। कोई बुरा कहे कोई भरा कहे, हम तन दी ओ है ढार, कोई चंगा आखी जे कोई माड़ा आखी जे, पर सेहत ते असर ना होना। उन्हें जीवित भाव तो मरे हुए मरने ही ते पाई है, तो जीवित भाव तो मरन करके ही प्राप्ति होंगी किसकी भाई, पूर्ण परमानंद। भाई परमानंद विच अपीत होना, पूर्ण परमात्मा विच अपीत होना है, यह तो शरीर छड्डन करके होगा। कोई साधु अन अधिकारी पुरुष उपदेश दे रहा सी, उहदे प्रति बाबा कबीर जी ने उन्होंने संबोधन करके एक अगला श्लोक है यह अचारना किया है। राम पदार्थ पाए कर, बाबा कबीर जी कहते महापुरशो तुहानू राम रूपी रतन की पदार्थ है प्राप्ति है, पर तुहानू बेनती करांगे सलाह देंगे। कबीरा गांठ ना खोल, राम रूपी रतन पदार्थ नूं प्राप्त करके बुद्धि रूपी गांठ नूं
खुल ना ना करो क्योंकि ये अन अधिकारी हन नहीं पटन नहीं पारखो क्योंकि ये जगह ते ना सत्संग रूपी पटन शहर है ते ना तो तात्विता महात्मा तुहाडी गल दी कदर करन वाला है नहीं गाहक नहीं मोल इस प्रकार उत्तम अधिकारी जिज्ञासु रूप ना इत्थे गाहक है ना रतन पदार्थ वास्ते राम रूप रतन पदार्थ बुद्धि रूपी गण विचों खोला ना करो दा गाहक कोई नहीं बिन गाहक गुण बेचिए तो गुण सहज हो जाए गुण का गाहक जेवल है तो गुण लाग हो जाए गुरमुखो साढ़े इतिहास विच साखी आउंदी है जदों दीन दुनिया दे मालक धन गुरु नानक पातशाह महाराज पटना साहिब गए रहे भाई मरदाना जी ने बेनती की पातशाह को शगन छकाउण हो जाए हजूर ने कहिंदे ने उत्थे ला दिता भाई मरदाना जी को यह गुरु नानक प्रकाश जी साखी होनी जन्म साखी दे विच भाई मरदाना जी शहर विच गए ते सब्जी की दुकान ते गए ने वह बंदा कह लगा कि गुरमुखा तेन दो मूलियां देंगा कह लगे भी की पता कोई चंगा पालकू मिल जाए कपड़े दुकान से गए तो कहता भी गुरमुखा मैं तेन 2.5 मीटर कपड़ा देंगा भाई मरदाने ने मन में विचार की भी कितने 2 मूलियां कितने 2.5 गज कपड़ा तो हो सकता भी अगे की कीमत बढ़ जाए वह एक सुनियारे दुकान से गए तो कह लगे कि गुरमुखा तेन 1 मुजरी दे सकता इसके बदले बाबा कबीर जी ने सोचा कि कितने 1 मुजरी कितने 2.5 गज कपड़ा कितने 2 मूलियां की पता कोई चंगा गाहक मिल जाए जिथे गुरमुख कलगी धर पातशाह महाराज ने अवतार धारण किया ना पटना साहब तख्त यह वो जमाने के साल सराय जोधी का घर से हीरे का काम करता सी भाई मरदाना जी उत्थे चले गए इस सारे तो अमीर आदमी सी ते इन्हें जाके उन्होंने नौकर नाल त्रिंदे नाल गल की थी कि भाई मैं सौदा वेचना तो वह कहिंदा भाई मरदाने दे कोल ला लै करके ते उपर चवारे दे चला गया जब उस पारकू साल सराय ने लाल वेख्या तो कह लगे कि उन्होंने अंदर बना लो जे इतने गुरमुख प्यारे आए ने भाई मरदाना जी अंदर गए तो कह लगे गुरमुखा तू गल कर भी तू यदा लैना की है वैसे मेरे को भी कीमत है नहीं तो तू मेरे नाल मुल टोक भी तू लवेगा की ये तेरा अपना जा किसी होर का कहने लगे जी मेरी बाल तेरे बार बार बैठे ये वस्तु मैंने उन्हें दी है सास है जो ही कहने लगा कि तुम यो करो वो आ 100 रुपया दर्शनी भेटा है ये तो मेरे को लो ते बाकी का मुल तुम अपने मालक को पुछ के दसना भाई मरदाना जी विचार पै गए कि कितने 2 मूलियां की कीमत कितने 2.5 गज कपड़ा कितने 1 मुंदरी ते कितने एक केंद्र पे दर्शनी भेड़ा 100 रुपया है मैं गुरदेव नूं पुछता वा जन्म साखी दे करते लिखा कि भाई मरदाना जी ने 7 गेड़े मारे गुरदेव कहिंदे ने भाई मरदाने भी जे आप एक चीज बेची नहीं तो आप पैसे कहिंदे क्यों लईए ते जिहड़ा जो भी वह कह लगा कि मैनू इस गल का ज्ञान है कि यह दर्शनी भेड़ा 100 रुपया ते मैं असूल वाला आदमी भाई मैं अपना असूल भंग के भी कर दिया उथे सतगुरु पातशाह कह लगे बरदाने तू समझिया हजूर करो कृपा मेरे पातशाह कह लगे बरदाना जी ये वस्तु एक है पर लोगों ने अपने समय के मुताबिक यदि कीमत वक् वक् पाई है इस प्रकार गुरमुखो जिहड़ा परमात्मा का नाम है ना है तो बकीमती आ पर आप दुनियादार लोगों ने यदि कीमत वध घट पाई कदे आप पाठ करते मेरा बच्चा पास हो जाए वो काम सर गया
ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਖੂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਗਮ ਉਤਮ ਕੱਢ ਗਏ ਵਿਰਲੇ ਕੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਗਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਰਾਜ ਆਏ ਨੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਭੂਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ